अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम है रिहान अल्लाह वाला और मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, एक फ्यूचरिस्ट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक एजुकेशनिस्ट हूँ, पता नहीं क्या हूँ, मेरे ख्याल में तो एक इंसान। बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फेसबुक पे आप ऐड करें, और मैं आज ये समझाने की कोशिश करूँगा कि फेसबुक है क्या और क्यों मैं उसको लोगों को ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। फेसबुक एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि आज वो दिन आ गया है कि जब किसी काले को गोरे को ऊपर, किसी गरीब को अमीर के ऊपर, किसी अजमी को अरबी के ऊपर फ़ौक़ हासिल नहीं है। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वाकई ये काम बराबर हो गया, जिस पर कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, ओबामा हो, परवेज़ मुशर्रफ़ हो या आप हो, हर एक के पास बराबर के राइट्स हैं अभी तक, और हर एक उसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह एक गरीब आदमी इस्तेमाल कर सकता है, उसी तरह अमीर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि कोई आप अमीर होने चाहिए या आप गरीब होने चाहिए उसको चलाने के। ये इक्वल बना देता है एज ए सिटीजन ऑफ द प्लैनेट अर्थ, आपको सबको बराबर कर देता है। फेसबुक पे आने के बाद आप ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं जिनसे आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में मुलाकात का सोच भी नहीं सकते। आप रोज़ाना प्रेसिडेंट ओबामा, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, जिस पॉलिटिकल से आप पार्टी से आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस इकोनॉमिक से आप इन्फ्लुएंस हैं, ऐसे लोग, ऐसे टीचर्स, ऐसे मेंटर्स जिनको आप नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं उनसे कुछ सीख सकते, यहाँ पे जाके आप उनको एज अ फॉलोअर उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका पेज लाइक कर सकते हैं और उनसे डेली के बेसिस पे अपना माहौल ऐसा अखबार क्रिएट कर सकते हैं कि जब आप सुबह उठ के अखबार खोलें तो आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलें, अच्छी अच्छी खबरें मिलें, और जैसे माहौल में हम रहते हैं ना वैसे हम हो जाते हैं। तो अगर हम अपने माहौल में अच्छे लोगों को ऐड कर लेंगे फेसबुक के ऊपर और हम उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे तो हम एक अच्छे आदमी बन जाएंगे। इसलिए फेसबुक को चलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बड़े समझते हैं कि फेसबुक के ऊपर बच्चे टाइम ज़ाया करते हैं, बहुत सारे बच्चे टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो बड़े हैं वो समझते नहीं हैं कि इससे क्या काम किया जा सकता है। सिमिलरली बच्चे भी नहीं समझते कि इससे क्या काम लिया जा सकता है, वो समझते हैं कि बस मैं यहाँ पे सहेलियाँ और दोस्ती बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट द राइट पर्पज़, ये इसका सही इस्तेमाल नहीं है। हर चीज़ की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। हम अगर इस चीज़ को अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने फ़र्ज़ को, जो कि अल्लाह का पैगाम हर इंसान तक पहुँचाना है, वो हम इसके ज़रिए भी पहुँचा सकते हैं। हम एक अच्छी सी फिल्म, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये फिल्म हज़ारों लोग देखेंगे, तो मेरा 5 मिनट हज़ारों से मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरी ज़िंदगी में 50 साल ऐड हो गए लिटरली सिर्फ 5 मिनट की फ़िल्म बनाने से। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये फ़िल्म फेसबुक पर शेयर होगी, अब जब ये शेयर होगी तो बहुत सारे लोग देखेंगे, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, तो लेकिन ये आवाज़ तो पहुँच गई ना। अब अगर उसमें मेरे से कोई गलत कलाम निकल गया या कोई गलत बात निकल गई तो मुझे, जिस तरह हम कमरे में बैठे होते हैं और बड़े छोटे होते हैं तो हमें करेक्ट कर देते हैं कि यार ये काम आपने गलत किया, ये काम आपने अच्छा किया, तो आपको प्राइवेटली, जो अगेन इस्लाम के तरीका है कि अलग से प्राइवेटली जाके बताएं अगर उसकी कोई बात बुरी लगी हो, तो पब्लिकली भी बताते हैं कुछ लोग, प्राइवेटली भी बताते हैं। फिर जो मैं जिस काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज़ टू गेट बेस्ट नॉलेज, बेहतरीन इंसानों से मुलाकात इस पर होती है, उनके इल्म से आगाही होती है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। हम यहाँ पे छोटे छोटे मसाइल में घिरे होते हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग मार्स पे जा रहे हैं, लोग मरकरी पे जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। अगर आप नॉर्मल अखबार खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी खुराफात होती हैं, वक्त का ज़ाया होता है, जबकि आप इसके ऊपर ऐसे लोगों को तलाश कर सकते हैं जो कि आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो दीनी लिहाज से हों, चाहे वो दुनियावी लिहाज से हों, और दीन और दुनिया दोनों का साथ हमें इसके अंदर चलना है। इसके अलावा हम इस पर जब कुछ चीज़ शेयर करते हैं या कुछ चीज़ मालूमात इसके ऊपर डालते हैं तो वो ग्लोबल जाती है। अब हम एक पॉन्ड में नहीं रहते, अब हमें कुएं में नहीं रहते, अब एक हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। जो आदमी फेसबुक पे कनेक्ट हो गया है, हम उसको, चाहे वो कराची में रहता हो, टंडूजाम में रहता हो, न्यूयॉर्क में रहता हो, फ़लस्तीन में रहता हो, इसराइल में रहता हो, ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, हम उसको पैगाम कर सकते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं आती है, और उससे अपने भाईचारेगी का और अपने अच्छा पैगाम उस तक पहुँचा सकते हैं, उसका पैगाम भी सुन सकते हैं। इस सारे पस मंज़र को सामने रखते हुए मैं फेसबुक का दीवाना हूँ समझ लीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक इंसान को
اپنے برابر والے انسان کے بہت قریب لے آتا ہے, اس سے بات کرنے کا آسانی دیتا ہے, اور جو باؤنڈریز کریٹ کی ہیں انسانوں نے آپس میں, ملک ممالک بنا کر, صوبے بنا کر, زبانوں کا اندر ڈفرینس ہے, یہ ان ساروں کو ایک بطور انسان ملنے ملاقات کرنے میں بہت مدد دیتی ہے. اس وجہ سے میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں. بہت سارے جو ہمارے بڑے ہیں اس کو یوز ابھی تک نہیں کر رہے ہیں, تو میری بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے بڑوں کو اس کا یہ فلم دکھائیں, اس کے ذریعے اگر وہ سمجھ جائیں کہ اس کا کیا فوائد ہیں. اپنے بڑوں, اگر آپ بڑے ہیں اور اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کے لیے, جس طرح آپ اپنے بچوں پہ فزیکل ورلڈ میں اصل میں نظر رکھتے ہیں, اسی طرح آپ اپنے بچوں کے اوپر اس کے اوپر بھی نظر رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگوں سے مل رہے ہیں, کیا شیئر کر رہے ہیں, کیسے ان کا دماغ سوچ رہا ہے, اس طرح سے آپ ان میں نظر بھی کر دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سی آئی اے کا نیٹ ورک ہے یا ایف بی آئی کا نیٹ ورک ہے. اللہ ماشاء اللہ, ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن اگر ان چیزوں کو استعمال کرنے سے ہم اگر اپنا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں, تو کسی کا بھی نیٹ ورک ہو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی کام غلط نہیں کرتے تو آپ کو ڈرنے کی کیا چیز ضرورت ہے اس کے اندر. امید کرتا ہوں کہ کچھ سمجھ آیا ہوگا اور اس کے افاقہ آپ کو بھی ہوگا, اور آپ اس کو شیئر کریں گے لوگوں کو, اور خود بتائیں گے کہ یہ فیس بک کے فوائد ہیں. اور اگر کچھ سوال ہو تو میں حاضر ہوں. میری آپ یوٹیوب کے چینل کو, ویمیو کے چینل پہ جا کے مزید فلمیں دیکھ سکتے ہیں, مزید سمجھ سکتے ہیں, ان ڈیپتھ بھی سمجھ سکتے ہیں, اور میری بہت ہی فلمیں موجود ہیں جن کو آپ دیکھ کے علم اپنا اضافہ کر سکتے ہیں. اگر مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو facebook.com/rehan33 پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی سوال ہو تو میں آپ کے سوالوں کا منتظر رہوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.